फेमस हिंदी फिल्म स्टार सोनू सूद साहब को नमस्कार। ये एक गरीब ज़िराअत पेशा करने वाला आदमी है, इसके पास कोई ज़मीन नहीं है। ये 4 एकड़ ज़मीन खौल को लेकर 2 साल ज़िराअत करा, कीड़े गिर के और बारिशों के वजह से वो पूरा नुकसान हो गया और इसकी हालत ये हो गई, पूरी खर्चदार हो गया। हालत ये हो गई कि घर भी बेचना पड़ा, इसका एक खास घर था, इसको कोई ज़मीन नहीं है। घर बेच के इसका कर्जा अदा किया तो ये घर बेचने के बाद भी पूरा कर्जा अदा नहीं हुआ और 6 लाख बाकी है। बाकी वाले इसको बहुत टाइट कर रहे हैं, इस वास्ते ये मरने के वास्ते दवा पी लिया था, लेकिन वो खुदा ना खास्ता मारा नहीं, वो जो है फिर लोगों की हेल्प करने से फिर जी के बाहर आया। लेकिन अब जो है 6 लाख बनने के है, ये जो है इतने में इसको किडनी का ऑपरेशन आया, फिर इसी टाइम में इसके बीवी का भी जो है पेट का ऑपरेशन करना पड़ा। इस वास्ते अब ये काम करने के भी लायक नहीं है और कर्जदार जो है बहुत टाइट कर रहे हैं। इसको जो है अदा करने के वास्ते कुछ काम करने के अभी जो है जरिया नहीं है और इसके पास वो ताकत भी नहीं है, ऑपरेशन होके बहुत परेशान है। लिहाजा ऐसे वक्त में आपके बारे में बहुत सुने सोनू सूद साहब, जो है लोगों की मदद कर रहे हैं, लिहाजा ये जो ज़िराअत पेशे वाले हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर रहे हैं, यही अन्नदाता है इसलिए ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश करते हैं कि इनकी कुछ मदद करें, ये गवर्नमेंट के तरफ से कुछ मदद मिलती बोल के गवर्नमेंट को अप्लाई करें, लेकिन गवर्नमेंट के तरफ से जो है इंक्वायरी करके इसका सब सही हाल है बोल के रिजल्ट भी आया, लेकिन गवर्नमेंट के तरफ से देने के वास्ते कोई इसका सोर्स नहीं है, लिहाजा इसको मदद नहीं कर सकते बोल के वो लोग डिक्लेयर करें। और ये इंक्वायरी में जो है सही होने के बावजूद भी कोई मदद करने के वास्ते सामने नहीं आए, ऐसा करने का कोई सोर्स नहीं है बोल के, ऐसे कोई नाम्स नहीं है बोल के बोले। इसकी ख़ास ज़मीन नहीं थी, इसकी जो है ये खौल के लिए हुई ज़मीन थी, अगर ख़ास ज़मीन है तो ऐसा होता था। और ये जो है ज़िराअत पेशे में नुकसान हुए सो लोगों को जो है मदद करने के वास्ते गवर्नमेंट के पास कोई सोर्स नहीं है, इसका कोई ऐसा मामला नहीं है बोल के वो लोग डिक्लेयर करें। लिहाजा आपसे गुजारिश करते हैं, आप बहुत हेल्प करने वाले हैं सोनू सूद साहब, आप जो है ये इसके बारे में पेपरों में भी शाया किया गया, पेपरों में भी बहुत बार डाला गया, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। फिर आखिरकार ये आखिरकार जाके ये लोग मरने की हालत में हैं, लिहाजा इनके फैमिली को बचाने के वास्ते कुछ आपके तरफ से कुछ मदद करने की गुजारिश करते हैं। और इनका ये बैंक अकाउंट नंबर है, ये आप देखें, कुछ मदद करना है तो ये बैंक अकाउंट नंबर पे मदद कीजिए। और फ़ोन नंबर 99 सर, ना फ़ोन नंबर 5933-1604। और इसको हिंदी नहीं आता, इस वास्ते तेलुगु में ही बोल सकता है, इस वास्ते हिंदी बोलने वालों को ढूंढ के मुझसे बोलने लगा है। और इसका अकाउंट नंबर है 6233-221-0067। और ये कलेक्टर साहब के लेटर्स वगैरह भी जो है और वो लोग इंक्वायरी करने के बाद इसका हाल पूरा सही है, लेकिन ये सब जो है मदद करने के वास्ते गवर्नमेंट के पास कोई सोर्स नहीं है, खौल की जमीन करने वालों को और नुकसान होने वालों को, लिहाजा आपसे गुजारिश की जाती है कि आप कुछ ये ऐसे लोगों को इनको जो है मदद कीजिए। ఏంటండి వీడియో నచ్చిందా? అయితే ఓ లైక్ వేసుకోండి, లేదంటే ఓ కామెంట్ చేయండి. ఎప్పటికప్పుడు మా వీడియోస్ చూడాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.